लागी का मार्ग ओर है, लगे चोट काल जा करके। जिनके पाप गणे बढ़ गए उन प्राणियों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुनीन जैसा कड़वा लगता है। और ये सत्संग के वचनों में एक मेडिसिन भी है इन पाप नाशकरण की, इसको न चाहते हुए सत्संग को सुनना चाहिए, चाहे मन तो कितनी बकवाद करे, इसकी तो आदत से, ये तो कहा करे ना ढीठ है ये तो। अब ना चाहते हुए सत्संग सुनाए, जैसे कुनीन खानी आवश्यक है और कुछ दिनों में देखना, क्योंकि परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो वाणी से ही नष्ट होते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ अति आवश्यक है, पांचों यज्ञ आवश्यक है। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान है। एक यज्ञ है धर्म की, यानी यहां पर पांचों यज्ञ होती हैं प्रत्येक समागम में। यहां क्या होता है कि यहां पर पिछली बार जो है 3 क्विंटल यानी 32 पीपे जो है घी के हवन हुए थे, 15 लीटर का एक पीपा, यानी 3 क्विंटल का घी का, देसी घी का हवन हुआ। ये हवन यज्ञ है। अब भी जितने पाठ होते हैं उसी हिसाब से, और फिर कुछ ज्योति चढ़ाते हैं भक्तजन अपना हवन कराने के लिए, उनका इकट्ठा भी करते हैं, और वैसे भी लगातार ज्योति चलती रहती है अखंड दिन रात। यहाँ पर ये सामने जो ज्योतियाँ चल रही हैं, जैसे 300 पाठ हो गए तो 1 किलो का 3 दिन में हवन हो जाता है, तीनों दिन अखंड हवन चलेगा। तो ऐसे 300 पाठों की 300 किलो जो है ना घी हम हवन करते हैं, तो 3 क्विंटल घी हवन हो जाता है एक समागम में, 1 महीने में 6 क्विंटल। तो कहना है एक यज्ञ है धर्म की, जहाँ भंडारा चलता है दिन रात भंडारा अखंड, चाहे रात ना आ जाओ को दुखी सुखी भक्त यहाँ पर पहुँच जाओ मालिक के दरबार में, आधी रात ने चाय चाहिए चाय मिलेगी, दूध चाहिए दूध मिलेगा, कोई बीमार शिमार रहते हैं और भंडारा भोजन मिलेगा। परमात्मा के बच्चा ने मिलकर ये शेड बना लिया, पंखे ला लिए हैं, बढ़िया मैट बिछा रखे अपने परमात्मा की प्यारी आत्माओं के लिए, और बैठा कर मालिक अपनी चर्चा सुना रहा अपने बच्चों को, तुम कितनी पुण्यात्मा हो सोच नहीं सकते, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जोरी समझता है, इस दास को मालूम आप कितनी पुण्यात्मा हो, चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। अमीर और गरीब होना अलग बात है, लेकिन भक्ति संस्कार आपके एक जैसे बहुत अच्छे। तो यहाँ जो एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है परमात्मा का, तीनों दिन देसी घी का, हर तरह स्वदेशी घी यानी गाय भैंस के दूध घी से ही यहाँ पर सब प्रसाद बनता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान, आप ये सत्संग सुनते हो, ये मेडिटेशन का भी काम करता है, क्योंकि जब सत्संग सुनते हो तो परमात्मा का चिंतन होता है, प्रभु के बारे में जानकारी होती है, अंदर अंदर एक विशेष कसक पैदा होती है, रह रहकर मालिक का ध्यान ही आता है, परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ऐसे थे, तो ये भी ये एक मेडिटेशन, यही मेडिटेशन होता है। जैसे ये हठ योग मेडिटेशन हम नहीं मानते, संत मते में नहीं है, परमात्मा कहते हैं साधो मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाज बतावे, आँख ना मुंदे कान ना रुंदे ना अनहद उलझावे। अनहद कहते अंदर कान आँख मूछ कर मीच कर अंदर बाणी सुनो अनहद नाद सुनो, कहते इनमें जो उड़ जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ठीक नहीं है, जो सहज समाध बतावे। सहज समाध कैसे होती है, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे और वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगाओ, इट इज मेडिटेशन।
जैसे हाली बीज बोता है, हल के पीछे, बैलों के पीछे एक हल होता है, हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसमें अगर बीज छोड़ दे उसने ओरना बोलिया गया। और जैसे रास्ते के साथ साथ उसने हल जोत रखा है, और कोई अतिथि आ जाता है, पंथी राह चलता, और कोई बात पूछता है, रास्ता पूछता है, तो वो उसे बात भी कर रहा है और साथ में एक हाथ से बीज को छोड़ता हुआ अपने हल को नहीं रोकता, वो उसका ध्यान तो अपने बीज में है, हाथ ऐसे सेट कर रखा है उसने, उसका ध्यान है, बैलों को भी टोक देता है और उस पंथी को रास्ता भी बता रहा, आप सीधे चले जाना, आप ऐसे करना, लेकिन रह रहकर ध्यान उसका बीज छोड़ने पर है, कहीं ज़्यादा कम ना छूट जाए हाथ से। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे, जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। दिस इज मेडिटेशन, इट इज मेडिटेशन। ये ध्यान समझ लेना कैसा है हमारा ध्यान। अब जैसे आप वैसे सिमरन करते ही हो, जब आप किसी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, ऑफिशियल काम में ज़्यादा डिस्टर्बेंस मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल काम करते करते भी वह कसक मालिक की रह रह कर अंदर रहनी चाहिए हमारे। अब इस बात को आप समझ जाओगे, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये लोन लिया, लड़की की शादी और सारी व्यवस्था करनी थी, तजूरी में यानी सेफ में रख दिए, और चलते समय कहीं जाना था निमंत्रण देने के लिए सेफ खोल कर किराया निकाला, और जल्दी का मारा कि किसी कारण से वो लॉक करना भूल गया सेफ को, और पहुंच गया 200 किलोमीटर। उस पुराने समय की बात है, चल आजकल भी ऐसा ही है, आजकल तो मोबाइल हो गए, जब फ़ोन कर दे संभालिए चाबी ने, यानी पुराने समय की बात है। तो वो चला गया अपनी रिश्तेदारी में लगभग 200 किलोमीटर, शाम के समय उसको याद आया जब खाना खाने लगा, अकोत्रे की चाबी भूलिया मत है, और तिजोरी सेफ खुली छोड़ा ही, भगवान कोई निकम्मा आदमी ना घुस जा, बच्चे दरवाज़ा खुला छोड़ कर चले जाए, मकान का कोई आना जार पता नहीं, ऊपर से शादी आ गई और ये मुश्किल से उधार में लोन मिला था और कोई पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको कितनी चिंता। अब वो रिश्तेदारों से बात भी कर रहा है लेकिन तिजोरी से दिमाग नहीं हटता उसका, उस सेफ से अलमारी से दिमाग एक सेकंड भी उसकी टेंशन हटती नहीं, वो टेंशन समझो। ये टेंशन जो है ये है हमारा मेडिटेशन, ये सहज समाधि है, या अटाए तो भी ना अटे, जब आपका या कसक लग जाएगी वो कसक कैसे लगेगी। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना नाही, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास कर बंदगी बहोर ने ऐसा दाव। अब परमात्मा की बारे में जब हमारे हृदय में या जगह बन जाएगी कि ना, तो मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ज्ञान नहीं मिले कि मनुष्य जीवन में चाटेंगे खाम, वो तो फिर एक पशु जैसा धंधा, तो असंख्य बार जन्म हो जाओ मनुष्य का, जैसे मोक्ष नहीं हुआ परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। तो आपके अंदर एक विशेष कसक बनेगी, और ये कसक जो है, जैसे आप कोई ऑफिशियल काम भी करते हैं तो भगवान की भूल नहीं पड़ सकती, भले ही सिमरन नहीं हो सकता लेकिन वो चिंतन नहीं छूट सकता, परमात्मा की याद, भगवान ने ऐसा है, वेदों में ऐसा लिखा है, ये रह रहकर हमने तो एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा रूटीन बनाना अपने दिमाग का कि ये बकवादा तटके भगवान के चरणों में ही लगा रहे। ये मालिक की वाणी याद आने लग जाएंगी जब आप कोई रिटर्न कार्य करते हो, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे, खरबो
तेरी क्या बुनियाद पुराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि इस तरह की बातें याद आवेंगी कि सुखदेव जैसे ऋषि भी सत्साधना ना करने से गदा बना कुमार के माटी डोई, और परमात्मा कहते तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। पेड़ा माने पंथ, माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, ये अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, ये पकड़। तेरी क्या बुनियाद है, तू अटपट करने लग रहा, अपनी मन मर्जी से साधना कर रहा है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो वाणी कहते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ ये हवन की। अब हवन कैसे करते देखे हमने, ये भट्ठ बाड़ा करते हैं, गेर का लकड़ी बड़ा कुंड बना लेते, उसमें गेर का लकड़ चंदन का लकड़ी, और स्वाहा स्वाहा लोटे पर गिर गेरे, उनका कुड़ा गर्त पड़े हुआ था, गिरनिए गिरनिए थे। अब उस लकड़ी के द्वारा हवन करने से लकड़ी भी जलती है, लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड पैरेलल बराबर बनती जा रही है। और हम हवन कैसा करते हैं, एक 100 ग्राम इसमें मेरे ख्याल में 100 ग्राम रुई नहीं लगी हमारी इन ज्योतियों में, ज्योति जला रखी, और इसमें अब के लगभग 2.5 क्विंटल से भी ज़्यादा हवन होगा। पिछली बार 3 क्विंटल और 30 किलो किया था हवन, तो मुश्किल से 200 ग्राम 150 ग्राम जो है ना रुई लगी होगी, और 3 क्विंटल से भी 30 किलो ऊपर हवन हो गया। और जब लकड़ियां तकरीबन मान 1 क्विंटल लगे, लकड़ी जो फूकनी पड़े इनमें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में। तो परमात्मा ने जो तरीका बता रखा है कि एक ज्योति लगा दो, हवन हो रहा, हवन घी के प्रज्वलित होने से ही हवन होता है। भगवान की चर्चा कभी करो किसी समय करो, वो अलग है, वो ज्ञान चर्चा है। तो तीसरी यज्ञ है हवन की, या हवन भी होता चौथी यज्ञ प्रणाम, परमा एक प्रणाम करने से भी एक यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होता है। पर हृदय से न देखा देखी नहीं लौटना है कि सारे लौटे हैं मैं भी लेट जाऊं, प्रणाम करना है ना बूंदा सा लगूंगा एक लाख खड़ा रहा है, ये को प्रणाम नहीं है, उसका अकाउंट नहीं होगा। कहते हैं जय गोपाल दंडवत करो, चाहे पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से है वो असला असल सलाम। जब प्रणाम करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से, सच्चे दिल से, अपना परम कर्तव्य जानकर, इस मिट्टी को मिट्टी जानकर, और प्रणाम करो, इससे अभिमान खत्म होगा। अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है भगवान निकट नहीं आ सकता, और हमने चाहिए भगवान चाहे किसी प्रकार मिल ले, हमने तो परमात्मा के लिए कमर कसी है, फिर उसमें अग्रम मग्रम किसा। जो बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया और वहां जाकर वो सारी रिहर्सल करवाते हैं उससे, सारे ऐसे ऐसे कोनियों के बल भी चलवाते हैं, रस्सों पर भी कूदवाते हैं, ऐसे पकड़ कर भी ऊपर, यानी सारी प्रैक्टिस कराते हैं ताकि मार ना खाओ बालक, कभी आमना सामना होगा जो शत्रु थे, ये हर दाव लगा ले, सब तरह ट्रेंड हो। तो दास भी आपको यहाँ ट्रेंड करना चाहता है कि जब काल के साथ आपका आमना सामना होगा, यानी यहाँ से हम जब चलेंगे तो आप मार ना खा जाओ। अब जब फौज में भर्ती होए गया तो फिर नखरे किसे भाई, सारी क्रिया करनी पड़ेगी, वहाँ अपनी ना चल है। तो ऐसे यहाँ भी आपने प्रवेश पाए लिया तो हमने हर तरह से अपने आप को ढालना पड़ेगा जो परमात्मा के नियम है, तभी हम सही सिपाही होंगे, तभी हम सही भक्त होंगे। तो पुण्यात्मा पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। अब ये ज्ञान यज्ञ जो आपका चल रहा है, सत्संग रह रहे कर सुनाया जाता है, इसका बहुत पुण्य आपको मिलता है। और हमारा कोई सिर में दर्द नहीं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे सत्संग करूँ दिन में, और फिर आप जी से साथ साथ आपका आपसे मिलता हूँ, कुशल मंगल पूछता हूँ,
तो आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि डॉक्टर को पता होता है कि ये रोग कटेगा कैसे मरीज का, तो वो हर ट्रीटमेंट समय पर देता रहता है, तभी वो स्वस्थ कर देता है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना बावे, अच्छी नहीं लगे, और जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जाए। कुछ ऐसे पाप हैं जो सत्संग के श्रवण करने से या शारीरिक सेवा करने से ही समाप्त होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं। तो फिर क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपने इतनी भूख लगेगी, आप डटे नहीं डटो। वही व्यक्ति जो पहले आध घंटा भी नहीं सुन सके था माल्य की वाणी को, अब वो ने सोचा दो घंटे के बाद भी आगे और के बताओगे गुरु जी, कौन सी कथा सुनाओगे। तो ये भूख लगी, आप स्वस्थ, आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। और आपके मन में मान ले कभी साल में दो वर्ष में ये आने लगा कि ये कथा तो मैंने सुन रखी है, गुरु जी ने फिर वही सुना दी, तो समझो आप फिर अस्वस्थ हो गए, आपके ऊपर कोई कर्म की मार ज़्यादा होगी। अब जैसे सुबह रोटी खाई थी आपने, रोटी वही है, सब्जी फिर बदल हो सकता थोड़ा बहुत, और सुबह भूख लगी और शाम को फिर वही रोटी, अगर आपने ये लगा कि ये रोटी तो खाई नहीं थी सुबह, यानी अरुचि होगी आपकी, तो समझो आप फिर बीमार हो लिए, आपके कहे तो बदहजमी होगी या कोई बुखार घेरने वाला है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे अब ये सत्संग आप सुन रहे हो और ऐसा लगता है कि ये कथा तो बहुत बार सुन ली, गुरु जी पिछली बार भी ऐसा सुनाया था, अरे 100 बार सुन ले, सुबह रोटी खाई भूख लगी, शाम ने फिर भूख लगी है, तो आप समझते हो, नहीं तो आपकी आत्मा पर फिर कोई जबरदस्त दबाव आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि ना चाहते हुए सत्संग को सुनता ही रहना चाहिए, फिर एक आध घंटे के बाद देखना आपकी कैसे रुचि बढ़ती है, क्योंकि ये साथ में मेडिसिन का काम भी करते। अब परमात्मा क्या बताया करते हैं, वेद कते झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना।